अध्याय 12 ज्यामिति आकृतियों में परिवर्तन एवं सममिति ट्रांसफॉर्मेशन एंड सिमेट्री इन ज्योमेट्रिकल शेप्स। सलमा के दोस्त के घर जन्मदिन की पार्टी के लिए एक बड़ी टेबल की जरूरत पड़ी। सलमा ने कहा, मेरे घर में एक बड़े आकार की टेबल है, उसे यहां ला सकते हैं। कमरे के कोने में रखी टेबल को पहले सलमा व दोस्तों ने कमरे के दरवाजे के पास खिसका कर रखा। अब वे सोचने लगे, इस बड़ी टेबल को दरवाजे के बाहर कैसे निकालें। इसके लिए उन्होंने टेबल को तिरछा किया ताकि दरवाजे के बाहर निकाली जा सके, और फिर अंत में उन्होंने टेबल को गाड़ी पर उल्टा रख दिया। इस पूरी प्रक्रिया में टेबल की स्थिति कई बार बदली। पहले चरण में टेबल को एक जगह से दूसरी जगह रखा गया, फिर दूसरे चरण में टेबल को घुमाया गया और अंत में टेबल को पलटा दिया। इस पूरी प्रक्रिया में टेबल की स्थिति तो बदली, किंतु आकार और आकृति में कोई अंतर नहीं आया। यानी खिसकाने, घुमाने और पलटाने पर वस्तु के आकार और आकृति नहीं बदलती। अब मान लीजिए, सलमा इसी टेबल का चित्र अपनी कॉपी में बनाती है। क्या चित्र में टेबल का आकार वास्तव में टेबल के आकार से अलग होगा? इस बात पर दोस्तों के साथ चर्चा करें। इसी तरह के विभिन्न आकार जैसे त्रिभुजाकार, वृत्ताकार, गोलाकार, आयताकार वस्तुएं हम दैनिक जीवन में अपने चारों ओर देखते हैं। वास्तविक जीवन में तो सभी वस्तुएं त्रिविमीय होती हैं, परंतु त्रिविमीय वस्तुओं को ठीक सामने, ऊपर और दाएं या बाएं से लंबवत देखते हैं तो उनको द्विविमीय आकृति ही दिखाई देती है। अब इसे करें। यहां कुछ ठोस वस्तुएं दी गई हैं। इन वस्तुओं को ठीक ऊपर, सामने, दाएं और बाएं से देखें और उसके आधार पर नीचे दी गई तालिका को पूरा करें। परिवर्तन ट्रांसफॉर्मेशन। अभी हमने देखा कि वस्तुएं उलटने पलटने पर, घुमाने पर, चित्र बनाने पर, तिरछा करने पर अलग अलग दिखाई देती हैं। कुछ परिस्थितियों में वस्तुओं का वास्तविक आकार बदलता है और कुछ में स्थिर रहता है। इन सभी क्रियाओं का उपयोग हम अपनी दिनचर्या की गतिविधियों में भी करते हैं। दीप्ति ने एक उदाहरण दिया, मैं जब अपने कमरे का फर्नीचर व्यवस्थित करती हूँ तो सोफा, मेज, कुर्सी, पलंग को विभिन्न तरीके से घुमाकर खिसकाकर देखती हूँ। दीवार पर टंगी हुई तस्वीर की जगह बदलने के लिए तस्वीर को एक जगह से दूसरी जगह खिसकाते हैं। अश्विन ने कहा, रसोई में बर्तन का उपयोग करते समय बर्तन सीधा रखते हैं और बर्तन धोने के बाद उसे उल्टा रख देते हैं। पलटने के पहले बर्तन की स्थिति, पलटने के बाद बर्तन की स्थिति से अलग है। दोनों स्थितियों में बर्तन अलग दिखता है। आकांक्षा कहती है, जब मैं अपने स्कूल की इमारत का चित्र बनाती हूँ तो चित्र में इमारत का ढांचा और आकृति तो वही रहती है, पर साइज छोटा हो जाता है। पासपोर्ट साइज से एक बड़ा फोटो बनवाने पर फोटो का आकार बदलता है, क्या यह भी परिवर्तन है? दीप्ति कुछ देर सोचकर बोली, मैंने पाया कि कुछ परिस्थितियों में क्रिया के बाद मिली आकृति मूल आकृति के जैसी दिखती है और सर्वांगसम भी होती है, परंतु कुछ अन्य परिस्थितियों में क्रिया के बाद आकार बदल जाता है, अतः सर्वांग समता नहीं दिखती। यानी मूल आकृति पर क्रिया करके उसकी स्थिति, आकृति या आकार में बदलाव होने की प्रक्रिया को परिवर्तन या ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। चित्र 2-1 और 2-2 में हो रहे परिवर्तनों को देखिए। चित्र 2-1 को देखिए। यदि पहली आकृति को रेखा L के आधार पर पलटाएं तो दूसरी आकृति मिलेगी। चित्र 2-2 में आकृति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक खिसकाया है। इन दोनों चित्रों में यदि मूल आकृति को दूसरी आकृति पर रखें तो क्या दोनों एक दूसरे को पूरी तरह ढक लेंगी? हम जानते हैं कि समान आकृति और समान आकार की आकृतियां सर्वांगसम होती हैं। यानी चित्र 2-1 और 2-2 में मूल आकृति
और परिवर्तन के बाद मिली आकृति सर्वांग सम है। अब बताइए चित्र 2-3 और 2-4 में क्रमशः घुमाओ और आकार बढ़ाने के बाद मिल रही आकृतियां क्या अपनी मूल आकृतियों के सर्वांग सम है?